अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। जो मुझे चीज़ें चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये एक चम्मच अदरक का पेस्ट है, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और ये गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्ची सॉरी हरा धनिया लिया है। ये टमाटर मैंने तकरीबन 3 से 4 स्लाइस थिन स्लाइस किए हैं, और ये है तकरीबन आधा चम्मच गरम मसाला है, ये कुटा हुआ ज़ीरा है 2 चम्मच, और हल्दी है आधा चम्मच, और ये कढ़ाई मसाला मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच, जितना आप स्पाइस खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। चिकन मैंने लिया है हाफ के जी लिया है। चलें बनाते हैं अब। अच्छा, अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैं फ्रीज करके रखती हूँ अदरक लहसुन, ताकि जल्दी से काम हो जाए मेरा। अब थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी ऑयल के साथ, 1 से 1.5 मिनट तक भूनूंगी, ताकि इसका जो रॉ स्मेल है अदरक लहसुन का वो निकल जाए। इसके बाद मैं अब डालूंगी चिकन डाल रही हूँ, फ्रीज किया हुआ था। अब इसको इसके साथ भूनूंगी थोड़ी देर, ये इसी में खुल जाएगी। चिकन मेरी ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब टमाटर के साथ मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अच्छा, मैं स्लाइस इसलिए काटती हूँ, बिल्कुल थिन स्लाइस करके काटती हूँ, क्योंकि फिर टमाटर जल्दी गल जाते हैं, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा, अब ये हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के फिर उसको भूनूंगी। अभी सॉफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, फिर इसमें मसाले और डालूंगी। अब मसाला डालूंगी चिकन कढ़ाई का, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा अब दही डालूंगी 2 से 3 चम्मच। बुन चुकी है पूरी, मैंने भून ली है। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको दम पे रखूंगी। अभी 1/2 कप डाल रही हूँ, बाद में फिर देखूंगी, क्योंकि मैंने चिकन सिर्फ गलानी है। थोड़ी ग्रेवी भी मैं रखूंगी, तो अभी बस चिकन पहले गलाऊंगी, उसके बाद फिर। बॉईल हो रहा है ये, अब मैं इसको ढक्कन दूंगी, थोड़ा सा बॉईल हो जाए फिर इसकी 0 आंच करती हूँ। मैंने 0 कर दिए, अब इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगी मैं चिकन गलने के लिए। अच्छा, ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं दम उठा रही हूँ। देखें,
माशाल्लाह से हो गई है, लेकिन पानी इसमें मौजूद है अभी भी। चिकन गल चुकी है, पानी इसमें है अभी, ये देखिए। अब मैं अपने थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी ऊपर से, हरी मिर्चें। रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें पानी है, थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ पानी। ये देखिए पानी मैंने ड्राई करना है या इतना पानी रहे? सही है, ठीक है, ड्राई करूँ। चलो मेरी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, अब मैं हल्का सा इसको पानी ड्राई करती हूँ। ये देखें अब सही है इतना पानी, और ड्राई करूं। अब सही है। चलें जी, डिश आउट करती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। रेडी हो चुकी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और अगली डिश में क्या बनाऊँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फ्रेंड्स फैमिली और सब में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।